तो भारत और पाकिस्तान का मैच जितना बड़ा है, उस मैच के लिए रणनीति भी उतनी ही बड़ी तैयार करनी पड़ती है। और नेट प्रैक्टिस के दौरान दोनों ही टीमों की ये रणनीति दिखाई भी दी। खासकर भारतीय टीम के बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस के दौरान अलग अलग रंग में दिखाई दिए। कोई संभल कर शॉट्स खेल रहा था तो कोई लंबे लंबे शॉट्स खेल रहा था। क्रिकेट के महाकुंभ के लिए हर टीम की तैयारी बेहद जरूरी होती है, फिर चाहे वो 50-50 का फॉर्मेट हो या फिर T20 का। और मुकाबला भारत पाकिस्तान का हो तो जीत की तैयारी बड़ी करनी होती है। बीते कुछ दिनों से टीम इंडिया अभ्यास मैदान पर जमकर पसीना बहा रही है। गेंदबाज अपनी रफ्तार की धार को तेज करते दिखाई दिए तो बल्लेबाज बैटिंग की धार को। खासकर प्रैक्टिस के दौरान बल्लेबाज अलग अलग तरह के शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे थे। जहां तक दोनों सलामी बल्लेबाजों की बात है तो दोनों ही प्रैक्टिस के दौरान संभल कर शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए। कप्तान रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस के दौरान डिफेंसिव थे, जबकि केएल राहुल डिफेंस के साथ साथ कुछ लंबे शॉट्स भी खेल रहे थे। रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों के अभ्यास में एक बात साफ दिख रही थी, वो ये कि दोनों ही बल्लेबाज भारत को एक सधी हुई शुरुआत देने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे। विराट कोहली की नेट प्रैक्टिस में तो अलग अलग तरह की बल्लेबाजी नजर आई। कोहली अभ्यास के दौरान अपने हर शॉट को बेहद सटीक तरीके से मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोहली इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि बीच बीच में विराट कोहली खुद गेंदबाजों के पास जाकर उनसे अलग तरह की गेंदबाजी करने की बात करते रहे और खुद ये जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। विराट कोहली ने काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस की और एक वक्त एक बॉल ऐसी भी आई जब यजुवेंद्र चहल ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया, तो इस बात पर काफ़ी देर तक दोनों हंसे। विराट कोहली खुद हैरान हुए कि कैसे मैं बोल्ड हो गया, लेकिन वो अच्छी बॉल थी चहल की। और उसके बाद विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ के सामने उस बॉल को करके भी दिखाया कि यहाँ से टप्पा पड़ के यहाँ से निकल के गई और मैं ये शॉट खेल रहा था और इसलिए मैं बोल्ड हो गया। तो वो काफ़ी फैंस जो मौजूद थे उनके लिए भी काफ़ी देर तक इसको लेकर चर्चा चलती रही। मगर इन सब के बीच दिनेश कार्तिक का अंदाज एकदम अलग था। दिनेश कार्तिक अपने अभ्यास के दौरान सिर्फ संभले हुए शॉट्स ही नहीं बल्कि ऊंचे शॉट्स भी खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये साफ था कि दिनेश कार्तिक की भूमिका न सिर्फ रन बनाने बल्कि एक फिनिशर की तरह भी रहने वाली है। भारतीय पारी में जिन चार बल्लेबाजों पर रन बनाने का पूरा भार होता है वो कप्तान रोहित, केएल राहुल, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक पर होगा। ऐसे में दोनों दिन नेट प्रैक्टिस के दौरान ये दिख रहा था कि चारों बल्लेबाज अपनी अपनी भूमिका को लेकर बेहद गंभीर थे। बल्लेबाजों की तरह ही गेंदबाज भी अपनी रफ्तार को धार देते हुए दिखाई दिए। जहाँ शुक्रवार को अर्शदीप शमी अपना अभ्यास कर रहे थे तो वहीं शनिवार को भुवनेश्वर, हार्दिक पांड्या और सिराज आलम नेट्स पर पसीना बहाते नजर आए। 48 दिनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर T20 मैच होने जा रहा है और ये मंच तो एशिया कप से कहीं बड़ा है, इसलिए हर हमला ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब पाकिस्तान ना दे सके। कपिल वशिष्ठ और प्रीति दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के लिए तुरुप का इक्का कौन होगा। बता रहे हैं मेलबर्न से हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ। तो मुकाबले का दिन आ गया है पाकिस्तान के खिलाफ और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के लिए तुरुप का इक्का कौन साबित होगा। तो तुरुप का इक्का साबित होंगे विराट कोहली। वो इसलिए क्योंकि विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबलों में कमाल की एवरेज है, कमाल की स्ट्राइक रेट है। कुल 9 मुकाबले विराट कोहली ने खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ और इसमें उन्होंने 406 रन बना दिए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तान के खिलाफ 406 रन विराट कोहली ने बनाए हैं और इसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। और जब वर्ल्ड कप मुकाबलों की बात करते हैं तब विराट कोहली की जो एवरेज है, जो स्ट्राइक रेट है, वो और अच्छी हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के हर जगह से फैंस हमारे साथ हैं, जानते हैं। आप बताइए, विराट कोहली के फैन हैं? हाँ जी सर, बहुत बड़े फैन हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ आज बल्ला चलेगा? बहुत बढ़िया चलेगा, जैसे एशिया कप में चला था वैसे आज भी चलेगा।
और बीच में थोड़ी फॉर्म लोग कह रहे थे डावाडोल हो गई थी, लेकिन अब कमाल की फॉर्म में, बहुत कमाल के फॉर्म में, शायद आज सेंचुरी भी देखने को मिल जाए। सर आप बताइए। जी मैं भी विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ, जैसे आप देख रहे हो पहले फॉर्म में नहीं थे, एशिया कप से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी सैकड़ा भी उन्होंने लगाया है, तो इंशाल्लाह आज भी बहुत अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान से भी हैं हमारे साथ, सर आप बताइए, विराट कोहली खिलाड़ी कमाल है, पूरा पाकिस्तान भी कहता है, तो कोहली कोहली की आवाज़ें लगती हैं इस वक्त आजकल के क्रिकेट में। दो बड़े प्लेयर हैं, एक विराट कोहली, एक बाबर आजम। अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देखें तो इनको आप क्रिकेट के पोइट कह सकते हैं। उनकी बैटिंग का आप देखें वो शायरी होती है, तो चाहे वो विराट हो चाहे वो बाबर आजम हो, दोनों की बैटिंग कमाल की बैटिंग है। जैसा कि अभी पाकिस्तान से आए हमारे मेहमान ने कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली जब खेलते हैं तो शायरी की तरह होती है, पोएटिक है इनकी बल्लेबाजी। तो तुरुप के इक्के पर आज सबकी नज़रें होंगी। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ मेलबर्न से, जी न्यूज़ के लिए।